Now the new next chapter is electric potential and capacitance. Now the first topic of this chapter is electric potential. It is defined as the amount of work done in moving a test charge from one point to another point against the electric field but without acceleration. What does this means? Electric potential क्या है? आपको काम करना है एक small positive charge को ले जाने में, एक position से लेके जाना है उसको दूसरी position पे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अगेंस्ट चार्ज को मूव करवाना है. बट जब आप चार्ज को मूव करवाओगे, चार्ज एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए. अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. प्रीवियस आपने लेक्चर्स में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. So, in the given diagram, we take a positive charge plus Q at origin O and another charge Q naught which we moves from A position to B position. Now, this charge is bigger in size, so the electric field lines moves or starts from it. So, it moves along the x-axis, electric field ki ye direction hai. Ab hum Q naught charge ko move karwayenge kahan se? From one position to another position. So the first position, initial position is A and the final position is B. अब हम जो Q naught charge है उसे move करवा रहे हैं electric field के against में. This is the definition. तब जब charge A से B position तक पहुंचेगा, जो भी आप काम करोगे उसे ले जाने में, that work done is known as electric potential. So according to the definition, the definition of electric potential VB minus VA. याद रखिएगा, electric potential V से denote किया जाता है, V for victory. आप पहले उस position को लिखेंगे जहां आपको finally पहुंचना है, minus जहां से आपने start किया. So initial position is A, so I write here it A. And the final position is B, so here we write B. Now according to the definition, the formula is work done in moving from A to B, A से B तक आने में, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे. दिस इज अवर फर्स्ट डेफिनेशन. नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला, सिंस द चार्ज इज इनिशियली मूविंग फ्रॉम क्यू टू पी पोजिशन, सो आपको पता है लार्ज वर्क डन कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, वो हमने प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ा है. अब हम पहले लेते हैं कि चार्ज क्यू से जब पी पोजीशन तक जाता है तो कितना काम होता है. सो वर्क डन इज डीडब्ल्यू विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डीडब्ल्यू इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज माइनस क्यू नॉट ई डॉट डीएल. अब ये फॉर्मूला कहां से आया? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट. अब क्वेश्चन आता है व्हाई वी टेक नेगेटिव साइन. हियर वी टेक नेगेटिव साइन बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स एंड द फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है. डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, Q नॉट डिनोमिनेटर में ले लिया, माइनस E वेक्टर डॉट dl वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस E dl cos. आपको पता है फिजिक्स में टू टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, डॉट को हटा के लगाते हैं cos, एंड वी हैव टू राइट हियर द एंगल. व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड dl? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस एंड वी मूव फ्रॉम A टू B पोजिशन, सो अवर लेंथ इज अलोंग x टू O, सो द एंगल इज 180 डिग्री. Because E is along OX and length is along XO. अगर डायग्रामेटिकली आप इसे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज ओ एक्स, और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज योर डीएल. दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री. वट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180? माइनस वन. माइनस E dl cos 180 minus 1 which comes out to be E dl. According to the
definition of electric field intensity, we have E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. Put this formula in equation second. Therefore, equation second becomes dW upon Q naught is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into dL. Since the length is increasing in the order of O to X, we are moving against the direction. So, dL is taken as minus dr because when we move from A to B, distance decreases. So, negative sign indicates the decrease in distance. Therefore, dW upon Q naught comes out to be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into minus dr. This is your equation A. ये small work done आपने calculate किया from Q to P position. But हमें work done calculate करना है from A to B position. Small work done को अगर large work done में convert करना हो, firstly we have to do the integration. Now the next step is integration. Integrate both sides. Integrate both sides. We have integration dW upon Q naught is equals to integration 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square minus dr, which is equals to, what is the integration of dW? W upon Q naught. Up on right hand side integration किसकी होगी, जिसके साथ d लगा है and d के साथ r लगा है, so r square का integration होगी and all the other terms remains constant, minus q upon 4 pi epsilon naught, minus मैंने बाहर निकाल दिया, q upon 4 pi epsilon naught बाहर, integration 1 by r square dr. अब r की integration हो रही है, initially the position is r a and the final position is r b, so w upon q naught is equals to minus q upon 4 pi epsilon naught r की power minus 2 integration r a to r b into dr, which is equals to minus q upon 4 pi epsilon naught. What is the integration of r minus 2? Minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 r a to r b. So w upon q naught is equals to minus q upon 4 pi epsilon naught r की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन फ्रॉम आर ए टू आर बी. दिस माइनस एंड दिस माइनस कैंसिल आउट, विच इंप्लाइज डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट इंटू वन अपॉन आर फ्रॉम आर ए टू आर बी. नाउ वी पुट द लिमिट्स. Firstly, we have to put the upper limit and then the lower limit. The upper limit value is W upon Q naught is equals to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RB minus 1 upon RA. This is your second formula for electric potential energy. Now the next question is electric potential at a point. आपको इस question को same previous question की तरह करना है, but वहाँ पर आपने initial position ली थी R A. In this question the initial position is infinity. This means अब आप एक charge को unit positive charge को move करवाएंगे from infinity to a fixed position A. Same question apply करेंगे. पहले हम small quantum calculate करेंगे. From dW, which is equal to work done ka formula force dot displacement dW, force ka formula minus Q naught E dot
dl। अब ये नेगेटिव साइन अगेन क्यों आया, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स को लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तभी हमने नेगेटिव साइन अप्लाई किया। dq अपॉन q नॉट विच इज इक्वल टू माइनस e डॉट dl, अगेन डॉट का रिमूव करेंगे, e dl cos 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180? माइनस 1, माइनस e dl माइनस 1। dq अपॉन q नॉट इज इक्वल टू माइनस e, सॉरी प्लस e dl, सिंस dl इज इक्वल टू dr एंड द फॉर्मूला ऑफ e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, वी हैव dq, सॉरी dw, दिस इज वर्क डन, upon q naught is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square into dr। ये small function हमने calculate किया from q to p, now the total work done in moving from infinity to a position by integrating the above equation that is integration dw upon q naught is equal to integration 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square into dr। अब अगेन इंटीग्रेशन r की हो रही है, इनिशियली हम इन्फिनिटी पे है एंड फाइनली ए पोजिशन पे है एंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन इज आर ए, सो इन्फिनिटी टू आर ए, दिस इज डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस टू डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए। अब यहां मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, माइनस वन अपॉन आर, दिस माइनस मैंने ऊपर लिख दिया है एंड आर इनवर्सेस वन बाई आर लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, सो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्टली अपर लिमिट वन अपॉन आर ए माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अगेन सॉरी डिक्रीजिंग लेंथ फ्रॉम डिक्रीजिंग लेंथ, सो वी राइट हियर माइनस 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 बाहर माइनस बाहर, दिस माइनस एंड दिस माइनस कैंसिल आउट, सो वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन इंफिनिटी। In physics, 1 upon infinity is 0, but in mathematics, 1 upon infinity is not defined. So, from final position is A, and the initial position is infinity. Work done from infinity to A upon Q naught is equals to Q upon 4 pi epsilon naught into R A. अब आपको इस फॉर्मूले को लर्न रखना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला इज जिस चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस चार्ज को डिवाइड करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इट्स डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल हम ए पोजीशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट्स डिस्टेंस इज आर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इन मल्टीपल चार्जेस की वजह से। फर्स्टली डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम ने हमने फाइव चार्जेस लिए, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। हर एक चार्ज की पोजीशन ओरिजिन से क्या है, Q1 की है R1, Q2 की R2, Q3 की R3 एंड Q4 की R4। फर्स्टली हम क्या करेंगे, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में एक चार्ज को मूव करवाया था फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजिशन,
अब हम मान के चलते हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट है जिसे हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पोजीशन A. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A पोजीशन. अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज VA माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू W इन्फिनिटी अपॉन A अपॉन Q नॉट. याद रखिएगा पोटेंशियल जब भी लिखना है तो पहले फाइनल पोजीशन लिखनी है माइनस इनिशियल पोजीशन करनी है, लेकिन वर्क डन जहां से स्टार्ट किया उसको पहले लिखना है और जहां आप पहुंचेंगे उसके नाम बाद में लिखेंगे. एंड दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी जिस चार्ज पे लेके आते हैं उसका नाम लिखना है क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और उसकी पोजीशन ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इसकी पोजीशन है आर वन. सो डब्ल्यू ए दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी सी डी एंड ई एट पोजीशन बी सी डी एंड ई दैट इज वी बी इज इक्वल्स टू क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर टू. देन वी सी इज इक्वल्स टू Q3 upon 4 pi epsilon naught into R3 and VD is equals to Q4 upon 4 pi epsilon naught into R4 and VE is equals to Q5 upon 4 pi epsilon naught into R5. These are the values of electric potential individually, but we have to calculate the electric potential due to the system of charges. Now the net electric potential due to the system of charges is V net is equals to VA plus VB plus VC plus VD plus VE. Simply हमें net निकालना है, overall निकालना है, तो हम सभी potentials को क्या करेंगे, simply add up. Then V net is equals to VA की वैल्यू यूज इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वन विच कम्स आउट टू बी क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन प्लस क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर टू प्लस क्यू थ्री अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर थ्री प्लस क्यू फोर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर फोर प्लस क्यू फाइव अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R5. What is the common value? 1 upon 4 pi epsilon naught comes out to be common. Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus Q3 upon R3 plus Q4 upon R4 plus Q5 upon R5. जिनका मैथ्स नहीं है वो यहीं तक करेंगे स्टेप, और जिनका मैथमेटिक्स है अगर उनको ये वैलिड लग रहा है, उनको फिजिबल लग रहा है, तो वो ये स्टेप लिखें, अदरवाइज छोड़ सकते हैं. वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन. दिस टर्म इज नोन एज समेशन फ्रॉम आई वन टू फाइव क्यू आई टू आर आई. अब इसको समझते हैं. आई की वैल्यू है जहां मैंने आई पुट किया है उसकी वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम वन टू फाइव. फर्स्टली हम वन वन डालेंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q1 R1 summation means sum plus then 2 term आएगी 2 2 then again plus 3 3 then again plus 4 4 again plus 5 5. आप जितनी terms तक लेना चाहें वहां ये term लिखेंगे upper में and lower में जहां से आपने start किया. Now the next topic is to calculate the electric potential due to the dipole on the axial line. ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन करवाया डाइपोल एज वेल एज एक्सियल लाइन. अगेन रिपीट करते हैं, व्हाट इज अ डाइपोल? डाई मींस टू, पोल मींस अपोजिट नेचर. नाउ वी रीड द टॉपिक अबाउट चार्जेस. सो वी हैव टू चार्जेस हैविंग अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. हियर वी टेक अ नेगेटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज. देयर नेचर आर डिफरेंट बट देयर मैग्नीट्यूड इज सेम. सो आई राइट क्यू एंड क्यू and I don't write Q1 and Q2. Dipole क्या है? वो दो charges लेने हैं जिनका magnitude value equal होगी लेकिन nature opposite है. So I write nature positive and negative.
दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस इज ए प्लस ए, दैट इज टू टाइम्स ए. ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का ये सेंटर पॉइंट है. अगर ये सेंटर है सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल ए. फ्रॉम ओ टू बी द डिस्टेंस इज अगेन स्मॉल ए. नाउ अब हम आते हैं एक्सियल लाइन क्या है. एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो आपके डाइपोल के दोनों चार्जेस के सेंटर से पास होती है, उस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं. इन द गिवन डायग्राम द एक्सियल लाइन इज ए एक्स. एक्सियल लाइन क्या है, वो लाइन है ये आपके डाइपोल के दोनों चार्जेस है, इसके सेंटर से जो लाइन पास होगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन. सो ए एक्स इज द एक्सियल लाइन. पी पॉइंट पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया किस पे, एक्सियल लाइन पे, जिस पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो पी पॉइंट इज ऑन द एक्सियल लाइन. अब डायग्राम की तरफ आते हैं. डायग्राम में ए इज द पॉइंट वेयर माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड, बी इज द पॉइंट वेयर प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड. द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज टू टाइम्स ए. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, दैट इज टू टाइम्स ए. ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सो द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ इज स्मॉल ए. ओ टू बी इज अगेन स्मॉल ए. Now let us consider the distance between O to P is r, small r. हमने ये खुद let किया है. O से P तक distance कितना है, small r है. Now what is the distance between A to P? The distance between O to P is r. The distance between A to O is A. So the total distance between A to P is r plus A. This is the distance. Again मैं repeat कर रही हूँ. मैंने बोला O से P तक distance है small r. A से O तक डिस्टेंस है स्मॉल a. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस a. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन B टू P. अगेन द डिस्टेंस बिटवीन O टू P इज स्मॉल r. द डिस्टेंस बिटवीन O टू B इज स्मॉल a. सो द डिस्टेंस बिटवीन B टू P इज होल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी दिस वन. सो द दिस डिस्टेंस इज r माइनस a. अगेन हमें पता है O से P तक डिस्टेंस स्मॉल r है, O से B तक डिस्टेंस A है, हमें डिस्टेंस BP चाहिए. तो हमें O से B P तक डिस्टेंस पता है, O से B तक पता है. अगर इस पूरे डिस्टेंस में से ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे ये वैल्यू निकल जाएगी. सो द होल वैल्यू इज R, दिस वन इज स्मॉल a. सो द डिस्टेंस बिटवीन B टू P इज R माइनस a. आई थिंक डायग्राम आपको क्लियर है. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at position P due to minus Q charge placed at A position is, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, लेकिन किस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो कहां पड़ा है, A पोजीशन से. ऑलरेडी अभी हमने फॉर्मूला लर्न किया था. फॉर्मूला था जिस चार्ज की बात होगी वो चार्ज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसका टोटल डिस्टेंस. सो हियर इन दिस डायग्राम द डिस्टेंस इज r प्लस a. तो फॉर्मूला कम्स आउट टू बी, फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू. फर्स्टली अब हम लिखेंगे फाइनल वैल्यू. सो v कम्स आउट टू बी एट p पोजीशन. सो va इज इक्वल्स टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए. अगेन मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला था जिस पॉइंट से चार्ज देखना है आप उस चार्ज को डिवाइड करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ, डिस्टेंस लिखेंगे जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सो द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड पी इज आर प्लस ए. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलर ग्राउंड्स पे इफ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at position P due to plus Q charge placed at B position is, अब जो B position पे charge पड़ा है उसकी वजह से calculate करेंगे, then VB is equal to, charge is positive तो plus symbol लिखे आप चाहे ना लिखे, same meaning है 4 pi epsilon naught. The distance between B to P is R minus A. This is your equation second. This value equation first की जो value this is only due to the negative charge and the value of equation second is only due to the
पॉजिटिव चार्ज, बट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ओवरऑल. नाउ द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इज, नेट जब भी निकालते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, एड अप करते हैं. सो वी नेट इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी. वट इज द वैल्यू ऑफ वी ए? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ सिंपली मैथ्स की तरह इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सो 1 अपॉन आर प्लस ए प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आर माइनस ए प्लस आर प्लस ए डिवाइडेड बाय आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए. अगेन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आ जाएगा माइनस आर प्लस ए, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आर माइनस इंटू माइनस प्लस ए प्लस आर अगेन प्लस ए डिवाइडेड बाय, दिस इज द फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगेन व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस आर एंड माइनस आर कैंसिल आउट. सो वी नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. 2 टाइम्स ए मींस ए प्लस ए कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ए. नाउ वी नेट ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. What is this one? P, electric dipole moment. What is electric dipole moment? P is equals to Q into 2 times A. Now, this is the formula of electric potential due to the axial line. अब हम इसका एक special case करते हैं. Let करते हैं. Let us consider that the dipole is of short length. कहने का मतलब, अगर हमारा dipole बहुत छोटी length का है, छोटी length कहने का मतलब प्लस चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज वेरी क्लोज टू ईच अदर है, देन स्पेशल केस इफ द डाइपोल इज ऑफ शॉर्ट लेंथ दैट इज ए स्क्वेयर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर स्क्वेयर, सो ए स्क्वेयर कैन बी निग्लेक्टेड. अगर ए एंड बी पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे देन ए जो टर्म है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, छोटी टर्म का स्क्वायर और छोटा हो जाता है तो उसको हम प्लस या माइनस में निग्लेक्ट कर सकते हैं. देन इक्वेशन ए बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स वी नेट एक्सियल इज इक्वल्स टू पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर इज निग्लेक्टेड सो वी राइट आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सियल लाइन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन द डाइपोल इज ऑफ शॉर्ट लेंथ. Point P on
on the equatorial line from origin O to P, the distance is small r. ये हमने suppose किया है from O से P position the distance कितना है small r. Now अब बात आती है angles की. मैंने angles को आपको यहाँ समझाऊंगी. This is PX. This is your AB line. And this X is a transverse. These two are parallel rays and this X is a transverse. If this angle is theta, this angle is also theta. These angles are known as alternate interior angles. Again, so this angle and this angle come out to be equal. Again, PX and AB. Again, two parallel rays. Now the transverse is this one. This is your PQ. This X as a transverse. If this angle is theta, this angle is also theta. These are known as corresponding angles. These are alternate interior angles. You have already 9th-10th mein math mein aapne study kiya hua hai. Now the diagram is clear to you. अब हमें P position पे इस positive and negative charge की वजह से electric potential calculate करेंगे and total electric potential calculate करना है. So we simply add the formula. Now come to the question. Electric potential at position P due to minus Q charge is दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो the distance is AP. This is your equation first. And electric potential at position P due to plus Q charge is VT, which is equal to plus Q upon 4 pi epsilon naught. Now the distance between P to P is equation second. अब हम कैलकुलेट करेंगे AP and CB की वैल्यू कितनी है. In right angle triangle, that is your AOP. This is your right angle triangle by using Pythagoras theorem. By using